मुरादाबाद शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब कक्षा 12 की छात्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। छात्रा की लाश के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ जिसमें उसने अपनी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। उसने अपने आप को माँ बाप की उम्मीदों पर खरा न उतरने की वजह ठहराई, जबकि परिजन स्कूल पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटी पर आगामी एग्जाम को लेकर दबाव बढ़ाया जा रहा था जिससे उसने ये आत्मघाती कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। मझोला थाना क्षेत्र के सूर्यनगर लाइन पार निवासी निर्देश सैनी की करूला में ज्वेलर्स की दुकान है। उनके 3 बच्चे हैं जिनमें मृत्यु का साक्षी सबसे बड़ी थी, बाकी 2 बेटे छोटे थे। पिता निर्देश सिंह के मुताबिक आज सुबह साक्षी ट्यूशन के बाद भाई के साथ चंद्रनगर स्थित नौसगी स्कूल के लिए निकली थी जिसमें भाई तो स्कूल पहुंचा लेकिन साक्षी की मौत की खबर उन तक पहुंची कि उसने लोकोशूट पुल के पास ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली है। चूंकि सुबह कोहरा बहुत था इसलिए आसपास के लोग भी नहीं देख पाए कि साक्षी ऐसा कदम उठाने जा रही है। छात्रा के कटकर मरने की खबर पर सिविल लाइन पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को रेलवे ट्रक से उठाया। सीओ सिविल लाइन रईस अख्तर ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों ने अभी मौखिक रूप स्कूल के दबाव की बात कही है। अगर वे लिखित रूप से कोई शिकायत करते हैं तो कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उधर साक्षी की मौत के पूरे घर में मातम छा गया है। हर कोई हैरान है कि अचानक इतना बड़ा दम कैसे उठा लिया। निर्दोष ये जो मृतक है आपकी कौन है? बेटी है। क्या हुआ था आज? स्कूल की तरफ से कैंसिल मिली पढ़ाई से पेपर है 6 फरवरी से, उसके चक्कर में हो जाए डिस्टर्ब रहता है। तो आपसे कुछ उसने बताया था? ना पढ़ाई के बारे में बात होती थी तो स्कूल वाले कुछ दबाव बनाते थे उस बारे में कह नहीं सकते। सर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चंद्रनगर में आज एक लड़की ने सुसाइड का मामला सामने आया, क्या मामला है सर? हाँ, आज सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ट्रेन से कटकर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। इस पर सुसाइड नोट भी मिला हुआ है जिसमें उसका ये कहना है कि माँ बाप की अपेक्षाओं के अनुरूप मार्क्स नहीं प्राप्त कर पाई जिसकी वजह से उसकी जान ले रही है। हालांकि उसका अभी पंचायतनामा भरा जा रहा है और अगर माँ बाप की तरफ से या उसके गार्जियंस की तरफ से कोई क्लेम प्राप्त होती है उस पर सर लड़की के पिताजी का कहना यह है कि कॉलेज की तरफ से पढ़ाई के लिए कुछ फोर्स करा रहा था उसको लेकर के लड़की डिप्रेशन में थी। हालांकि अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है माँ बाप की तरफ से, अगर दी जाती है तो समझ में पूछताछ की जाएगी कॉलेज।